गुड मॉर्निंग। हमने पीछे फोन ऑफ विवर्तन पढ़ा और फोन ऑफ विवर्तन में एन स्लिट से विवर्तन और उसके बाद ग्रेटिंग, ग्रेटिंग से विवर्तन कैसे होता है, उसका स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है और उसमें उच्चिष्ट निम्निष्ट कैसे मिलते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। ग्रेटिंग के अंदर दो तरह के उच्चिष्ट निम्निष्ट होते हैं, एक तो विवर्तन के उच्चिष्ट निम्निष्ट, दूसरा व्यतिकरण के उच्चिष्ट निम्निष्ट। तो अब हम ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम की करेक्टरिस्टिक्स इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है एब्सेंट स्पेक्ट्रम, अनुपस्थित स्पेक्ट्रम। ग्रेटिंग में अभी मैंने बताया कि दो तरह के उच्चिष्ट निम्निष्ट होते हैं, एक तो विवर्तन के लिए और एक व्यतिकरण के लिए। तो थीटा का वो मान जहाँ पे विवर्तन का निम्निष्ट और व्यतिकरण का उच्चिष्ट मिल रहा हो, तो उस जगह पे जीरो को, विवर्तन के निम्निष्ट का मतलब है जीरो, इंटेंसिटी जीरो, और व्यतिकरण के उच्चिष्ट की कुछ भी वैल्यू हो उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो जीरो मिलता है इंटेंसिटी। इसका मतलब वहाँ पे वो व्यतिकरण का उच्चिष्ट लुप्त हो जाता है। इस तरह अब्सेंट स्पेक्ट्रम अब्सेंट हो जाता है, तो इसे कहते हैं अनुपस्थित स्पेक्ट्रम। अब एनवे क्रम के अनुपस्थित स्पेक्ट्रम के लिए, एनवे क्रम का जो स्पेक्ट्रम है उसके लिए व्यतिकरण उच्चिष्ट e प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा और विवर्तन उच्चिष्ट e साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा, ये मिलता है। तो ये दोनों इक्वेशंस से हम अगर सोल्व करें तो e प्लस बी बाय e, सेकंड में फर्स्ट का भाग दे दें तो e प्लस बी बाय e इक्वल टू एन बाय एम। तो अब यदि b बराबर e हो, हम कंडीशन लेंगे अलग अलग, b बराबर e हो तो उस टाइम पे n इक्वल टू 2m, तो m के मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं, तो 2m यानी n इक्वल टू 2, 4, 6 आदि। ये क्रम के जो व्यतिकरण उच्चिष्ट हैं वो लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें ये उच्चिष्ट अनुपस्थित रहते हैं। इसी तरह यदि b इक्वल टू 2e कर दें तो n इक्वल टू 3m उस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से, तो इसलिए m इक्वल टू 1, 2, 3 के लिए n इक्वल टू 3, 6, 9 एंड सो ऑन, ये स्पेक्ट्रम अनुपस्थित रहते हैं। तो इस तरह हमने क्या देखा कि व्यतिकरण उच्चिष्ट और विवर्तन निम्निष्ट जहाँ मिलते हैं तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे वो स्पेक्ट्रम वो उच्चिष्ट विलुप्त हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए समीकरण नंबर 1 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि b इक्वल टू e, b इक्वल टू 2e, b इक्वल टू 3e। इसी तरह हम इन कंडीशंस के लिए b और e की जो आपस में रिलेशनशिप है उसके लिए कौन कौन से स्पेक्ट्रम अनुपस्थित रहेंगे उनका क्रम ज्ञात कर सकते हैं। b और e क्या है, e रेखा छिद्र की चौड़ाई है। जो ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग में पास पास में खूब सारी लाइन खींची हुई हैं, तो दो लाइन के बीच में जो पारदर्शी भाग है उसका, उसकी चौड़ाई है e, और जो दो स्लिट के बीच में, दो रेखा छिद्रों के बीच में जो अपारदर्शी भाग है उसकी चौड़ाई है b। ओके, नेक्स्ट, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में अधिकतम क्रम संख्या, मैक्सिमम किस क्रम का स्पेक्ट्रम आपको मिल सकता है। तो इसके लिए हम मुख्य उच्चिष्ट e प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा इससे ज्ञात करें। ये है मुख्य उच्चिष्ट इक्वेशन, जहाँ पे e प्लस बी को बोलते हैं ग्रेटिंग अवयव और थीटा विवर्तन कोण है और n मुख्य उच्चिष्ट की क्रम संख्या है। हमें यही n का मान ज्ञात करना है, इसलिए n को एक तरफ रखें बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएँ, तो n इक्वल टू प्लस माइनस e प्लस बी साइन थीटा बाई लेमडा। अब चूँकि मैक्सिमम विवर्तन कितना हो सकता है 90 डिग्री, ठीक है, इसलिए साइन थीटा का अधिकतम मान साइन 90 यानी 1 हो सकता है, इसलिए n का अधिकतम मान e प्लस बी साइन 90 यानी 1 बाय लेमडा, तो e प्लस बी बाय लेमडा ये होगा अधिकतम मान n का। अब
इसके लिए ई प्लस बी यदि लैम्डा और ई प्लस बी की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि इनका मैक्सिमम मान कितना होगा। अब एग्जांपल लिया जाए कि यदि ई प्लस बी 2 लैम्डा से कम है, ठीक है, तो एन मैक्सिमम कम होगा 2 लैम्डा बटा 2 से, यानी एन मैक्सिमम कम होगा 2 से, यानी केवल प्रथम कोटि का मुख्य अवशिष्ट ही प्राप्त होगा। यदि ई प्लस बी लेस देन 3 लैम्डा तो 2, ई प्लस बी लेस देन 10 लैम्डा तो 9, नाइन्थ कोटि तक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य अवशिष्ट की चौड़ाई। मुख्य अवशिष्ट ई प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा भी मिलता है। यहाँ पे हमने थीटा को थीटा एन लिख दिया क्योंकि ये एनवा मुख्य अवशिष्ट के लिए कोण है। अब हमें इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब मुख्य अवशिष्ट के दाएं बाएं दोनों तरफ जो प्रथम निम्निष्ट मिलते हैं उनके बीच का गैप, ठीक है। थीटा एन के दोनों तरफ बाएं थीटा एन माइनस डी थीटा एन और दाएं थीटा एन प्लस डी थीटा एन कोण पर प्रथम निम्निष्ट मिलते हैं, ये हम मान लेते हैं। तो प्रथम निम्निष्ट के लिए कंडीशन है ई प्लस बी साइन जो एंगल निम्निष्ट का है यानी थीटा एन प्लस माइनस डी थीटा एन इक्वल टू एम लैम्डा बाई कैपिटल एन। यहाँ कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन उस ग्रेटिंग में कुल रेखाओं की संख्या। तो अब एम का मान 0n 2n 3n 4n इस तरह हो सकता है, तो एम बाई नहीं हो सकता, सॉरी, मुख्य निम्निष्ट के लिए इनका मान ये नहीं हो सकता। एम नॉट इक्वल टू पी एन या एन का पूर्णांक पूर्ण गुणज नहीं हो सकता। अब एम बाई एन इक्वल टू एन यानी पूर्णांक होने पूर्ण गुणज होने पर एम एन का पूर्ण गुणज होने पर ये मुख्य उच्चिष्ट बन जाता है, इसलिए वो इसके बराबर नहीं हो सकता। तो मुख्य उच्चिष्ट के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट के लिए हम एन एम का मान मान सकते हैं स्मॉल एन इंटू एन प्लस माइनस वन। ऐसा हमने क्यों माना? क्योंकि स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन ये तो हो जाएगा उच्चिष्ट की कंडीशन, और प्लस माइनस वन करने का मतलब है प्लस वन करते ही दाई और माइनस वन करते ही बाई ओर, दोनों तरफ के प्रथम निम्निष्ट। प्लस माइनस टू करते हैं तो दोनों तरफ के दूसरे निम्निष्ट हो जाएंगे, प्लस माइनस थ्री करते हैं तो तीसरे निम्निष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमने इसमें एम इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन प्लस माइनस वन किया है। अब ई प्लस बी साइन यहाँ पे कंडीशन रखते हैं हम, सॉरी वैल्यू रखते हैं हम एन की इक्वेशन नंबर 5 में। तो ई प्लस बी साइन थीटा एन प्लस माइनस डी थीटा एन इक्वल टू स्मॉल एन कैपिटल एन प्लस माइनस वन इंटू लैम्डा बाई कैपिटल एन। उसको सोल्व करें, फिर समीकरण 6 में 4 का भाग लगा दें। समीकरण 4 जो ऊपर दी हुई है ई प्लस बी साइन थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा और 6 जो भी हमने निकाल ली है, तो साइन थीटा एन प्लस माइनस डी थीटा एन बाई साइन थीटा एन इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 बाई स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, ये कंडीशन आ गई। अब साइन थीटा एन प्लस माइनस डी थीटा एन को हम साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दें, तो साइन थीटा एन कोस डी थीटा एन प्लस माइनस कोस थीटा एन साइन डी थीटा एन ये हमें मिलता है। और यहाँ पे कोस डी थीटा एन, डी थीटा एन बहुत छोटा कोण है इसलिए कोस डी थीटा एन नियर इक्वल टू 1 और साइन डी थीटा एन नियर इक्वल टू डी थीटा एन ये हो जाएगा। इसलिए 1 प्लस माइनस कोट थीटा एन डी थीटा एन इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 बाय